बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कनाब और ये कनस्तईन इंशाल्लाह कल यहाँ पर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर एक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का एक इंशाल्लाह बेहतरीन यहाँ पे सऊदी के मकाम पे जलसा होगा और पूरी कौम को जिस तरह इमरान खान साहब ने कॉल दी है सब ने यहाँ पे पहुँचना है इंशाल्लाह। कल 4 बजे का टाइम है यहाँ पर इंशाल्लाह और कल ये कौम साबित करेगी कि जो फस्ताइयत जो बार बार इस मुल्क में आइन को तोड़ा गया जो बार बार इस मुल्क के अंदर कानून को तोड़ा गया और जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया और जिस तरीके से हमारे पार्टी के कायदीन और खास तौर पर हमारे लीडर इमरान खान साहब को इस वक्त जेली केसों में अंदर डाला हुआ है तो कल कौम साबित करेगी कौम किसके साथ है। कौम ने 8 फरवरी को भी साबित किया था वोट देकर लेकिन मैंडेट चोरी हो गया इंशाल्लाह। कल के जलसे के बाद एक तहरीक का मजीद नई एक तहरीक का आगाज होगा जिसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी को पंजाब में सिंध में और बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जा रहा और हमारे लोगों को और वर्करों को नहीं छोड़ा जाता और वहाँ पर उनके छापे लगाए जाते हैं जहरी पर्चे काटे जाते हैं। अगर इन्होंने अपना रवैया ठीक ना किया तो कल इंशाल्लाह मैं यहाँ से इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है हमारा कैपिटल है और इंशाल्लाह कल मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के जलसे का भी इंशाल्लाह ऐलान करूँगा तारीख का ऐलान करूँगा और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा तो इसलिए बेहतर है कि अपना रवैया ठीक कर लें। मेरी इदारों से और अदालतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बार बार अदालतें भी कह रही हैं जज साहबान भी कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर है वो बताएं प्रेशर किसका है और प्रेशर वो ना लें कौम उनके साथ है हम उनके साथ हैं। इदारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये जो फॉर्म 47 लोगों को सपोर्ट दी हुई है उससे जो महंगाई हो रही है जो इस मुल्क में बेरोजगारी जो इस मुल्क में बिजली और बिजली के बिलों का हाल है जो आज पेट्रोल और डीजल के रेट्स का हाल है जो इकॉनमी का इन्होंने तबाही निकाल दी है दहशतगर्दी इमरान खान के टाइम में चेक करें पूरे 3.5 साल क्या सूरत हाल थी और अमरो अमान की उसके बाद इनके टाइम में क्या सूरत हाल थी वो चेक कर लें। ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं बेहतर है कि शराफत से घर जाओ मैंडेट चोरी जो किया है वापस करो वरना अब हक में अपना जमहूरी तरीके से जो हमें बताया गया है इंशाल्लाह हम अपना हक लेंगे हक लेके दम लेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है इदारों से अदालतों से कि आप अपना ये जो इतने लंबे टाइम में एक सवाल निशान बन गया है आप लोगों के ऊपर उस सवाल निशान को दूर करें और मेरिट के ऊपर फैसले करके कौम के सामने हक को लाएं। शुक्रिया सर। इस्लामाबाद कल इंशाल्लाह ऐलान करेंगे उसका भी अगर कोर्ट ने इजाजत नहीं दिया तो फिर क्या होगा। कोर्ट ने पहले हमें इजाजत दी लेकिन ऐन वक्त पे आके हुकूमत ने साबित किया वफाकी हुकूमत ने कि वो अदालत के आर्डर को नहीं मानती। मैं कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दफा हम ऐलान करें तो आप बीच में ना आए क्योंकि आपकी बात तो ये नहीं मानते हमने तो फिर भी नहीं किया कि चलो हम आइन के दायरे में रहें। इमरान खान साहब ने हमेशा यही सिखाया है हमारी पार्टी को यही सिखाया है कि आइन के दायरे में रहें कानून के दायरे में रहें लेकिन अब जब ऐलान हम करेंगे तो आप बीच में मत आना फिर हमें छोड़ देना फिर देखते हैं कि ये